अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बीफ़ दो प्याज़ा की रेसिपी बताऊँगी। तो ये मैंने बीफ लिया है, 2 किलो बीफ है, ये 5 टमाटर लिए जिन्हें मैंने काट लिया, और 5 ही प्याज मैंने लिए जिन्हें मैंने काट लिया, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच, और ये दही मैंने लिया है, 1/2 दही लिया, ये जाएगा, और मसालों में जाएगा 1 चम्मच नमक लिए, और ये साबुत मैंने सारा गरम मसाला ले लिए और साबुत मिर्चें लिए। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। ये मैंने चूल्हे पे कुकर रख दिया है, इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है, और मैंने ये 1/2 प्याज लिए, 1/2 मैं लास्ट में डालूंगी इसमें। प्याज को मैं लाइट ब्राउन सा कर लूंगी। और साथ ही मैं इसमें साबुत मिर्चें डाल दूंगी। प्याज ये लाइट ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें ये गोश्त डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें 1/2 लहसुन डाल रही हूँ, और साथ ही में नमक और ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। डाल के मैं इसे मिक्स करके, ये गोश्त मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं साथ ही इसमें टमाटर डाल दूंगी। साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दी। टमाटर डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि टमाटर गल जाए। मैंने ढक्कन हटा दिया, टमाटर गल गए। मैं इसको चला के हल्का सा, और इसमें मैं ना 1 लीटर पानी डाल के कुकर लगा दूंगी 10 मिनट के लिए कि गोश्त जल्दी गल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करके मैं इसमें पानी डाल दूंगी 1 लीटर। ये पानी इसका खुश्क हो गया गोश्त का। अब इसमें ज़रा ये मैं प्याज जो मैंने आधी बचाई थी वो प्याज डालूंगी इसमें। साथ ही इसमें मैं दही डाल दूंगी, मैंने रखा था 1/2 दही डालूंगी इसमें। इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी मैं। कुछ गल गया है, ये बीफ 2 प्याज़ा तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश ऑफ करूंगी। अब मैं सुर्ख मिर्च से इसे गार्निशिंग कर दूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अल्लाह हाफ़िज़।